नमस्कार दोस्तों। तो सबसे पहले तो दोस्तों आप राजस्थान ज्ञान स्टोर टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी। वहां पर आपको रीट भर्ती, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड एवं अन्य भर्तियों की जानकारी मिलेगी। साथ साथ राजस्थान शैक्षिक समाचार की PDF फाइल भी आपको वहां पर मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, आज 19 जनवरी 2022 संपूर्ण शिक्षा जगत के समाचार देख लेते हैं। राजस्थान पत्रिका एग्जाम गाइड सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न। राजस्थान पत्रिका कैरियर की उड़ान, नई भर्तियां, आवेदन प्रक्रिया शुरू। राजस्थान पत्रिका गाइड रीट 2021 पात्रता प्रमाण पत्र संबंधित जिलों में बनाए केंद्रों से ही ले सकेंगे अभ्यर्थी। रीट परीक्षा के प्रमाण पत्र संबंधित जिलों के निर्धारित केंद्रों पर उपलब्ध होगा। इसके लिए निर्धारित प्रक्रिया का विवरण भी बोर्ड ने रीट की वेबसाइट पर जारी कर दिया है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर DP झारोली ने बताया कि प्रमाण पत्र लेने के लिए परीक्षा दे चुके अभ्यर्थी को अपना रोल नंबर व आधार कार्ड व फोटो रखनी होगी। सर्वप्रथम ई मित्र के जरिए वह रीट की वेबसाइट पर अपना रोल नंबर अंकित करेगा। इसके बाद एक आवेदन आएगा जिसे डाउनलोड करना होगा। इस पर अपनी फोटो व आधार कार्ड लगाकर निर्धारित केंद्र से प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकेगा। राजस्थान पत्रिका न्यूज बुधवार 19 जनवरी 2022 शिक्षा विभाग। प्रारंभिक शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों को आ रही दिक्कतें, ऑनलाइन आवेदन में समस्याओं से सामना। प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने राज्य में अध्यापक लेवल फर्स्ट और लेवल टू के करीब 32,000 पदों की भर्ती का विज्ञापन जारी किया है। आवेदकों को ऑनलाइन करना है, लेकिन कई अभ्यर्थियों ने बताया कि उन्हें आवेदन में परेशानी आ रही है। हेल्पलाइन नंबरों पर संपर्क में आ रही दिक्कतें फोन बता रहा है व्यस्त। हालांकि विभाग द्वारा हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए, लेकिन वे भी ज़्यादातर व्यस्त ही नज़र आ रहे हैं। अजब उलझन ये दिक्कतें भी है। इनका कहना है इस संबंध में सरकार को पहल करनी चाहिए ताकि आवेदन गलत नहीं हो और कोई अभ्यर्थी अपनी कैटेगरी में आवेदन से वंचित नहीं रहे। महेंद्र पांडे महामंत्री। भास्कर, रीट 2021 में TSP का दायरा बढ़ा। 5,698 गांव और 9 निकाय क्षेत्र TSP में शामिल। इसी अनुपात में कम हुए पद। TSP की कट ऑफ रहेगी हाई, क्योंकि 2018 की तुलना में 2021 में लेवल फर्स्ट के 1931 और लेवल टू के 2380 पद कम। लेवल फर्स्ट 1339 और लेवल टू 928 में सबसे ज्यादा पद उदयपुर में। बागीदोरा भास्कर न्यूज। सबसे ज्यादा गणित विज्ञान में सामान्य की 80% मेरिट जाने की संभावना। सबसे कम 60% अंग्रेजी में SC की। सबसे कम पाली में लेवल फर्स्ट 37 और लेवल टू 50 पद। बाकी अन्य जिले मेरिट हाई रहने के 3 कारण। इधर BA एडिशनल को रीट में शामिल करने की मांग। विशेष शिक्षकों के आवेदन पत्र में सुधार के लिए निदेशक को लिखा पत्र। श्रीगंगानगर भास्कर न्यूज। रीट शिक्षक भर्ती 2021 आवेदन मामला। शिक्षा विभाग ने मांगा पिता के पते व आय के आधार पर बना EWS प्रमाण पत्र। जिला प्रशासन ने कहा पीर पक्ष से ले गई रिपोर्ट के आधार पर ससुराल के पते पर बनेगा। विवाहिताओं का नहीं बन रहा है EWS प्रमाण पत्र। सवाल, शिक्षक भर्ती में कैसे मिले लाभ? दोनों विभागों के अपने अपने तर्क। पसोपेश में अभ्यर्थी। जयपुर भास्कर रीट शिक्षक भर्ती 2021। इनका बनता है EWS प्रमाण पत्र। शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 9 फरवरी। बीरबल सिंह ADM नॉर्थ जयपुर। बयान, वरिष्ठ अध्यापक गणित के पद पर पदोन्नति को लेकर महत्वपूर्ण आदेश।
एक वर्ष से गणित स्नातक को नहीं किया जाएगा डीपीसी में शामिल। हाईकोर्ट ने दिए अंतरिम आदेश। नवज्योति जोधपुर हाईकोर्ट थर्ड ग्रेड एवं सेकेंड ग्रेड 10,000 कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती होंगे। विज्ञापन जल्द। बीकानेर शिक्षा विभाग मार्च अप्रैल में हो सकता है एग्जाम। विभाग ने कर्मचारी चयन बोर्ड को भेजी रिक्वेस्ट। विज्ञप्ति जल्द ही जारी होगी नई कंप्यूटर शिक्षक भर्ती। राज्य के कई कॉलेज में हालात बहुत खराब। नई व्याख्याता मिले तो सुधरे राज्य में संस्कृत शिक्षा के हाल। राजस्थान पत्रिका न्यूज अजमेर। आरपीएससी भर्ती से नई फायदा। संस्कृत शिक्षा कॉलेज में लंबे अरसे से शिक्षकों की भर्ती नहीं हुई थी, इसके चलते 31 संस्कृत कॉलेज में शिक्षकों की संख्या महज 80 से 85 तक रह गई। राजस्थान लोक सेवा आयोग की सहायक आचार्य भर्ती 2020 के तहत 918 पदों की भर्ती होनी है। इनमें संस्कृत के 39 पद शामिल है, लेकिन इनमें से एक भी पद संस्कृत कॉलेज को नहीं मिलेगा। एक पद पर दो शिक्षकों के होने के मामलों पर शिक्षा विभाग गंभीर। राजस्थान पत्रिका न्यूज बीकानेर। शिक्षा विभाग स्टाफिंग पैटर्न के बाद भी प्रारंभिक शिक्षा में 300 से ज्यादा शिक्षकों की जरूरत है। बांसवाड़ा भास्कर न्यूज। नए नियम में 105 छात्रों पर मिलेगा पीटीआई। शौर्य चक्र विजेता विकास का आमरण अनशन जारी। दो बार मेडिकल जांच की गई। झुंझुनू रीट समेत सरकारी भर्तियों में फर्जीवाड़े को लेकर धरना चल रहा है। शिक्षा विभाग ने वित्त विभाग से गार्गी पुरस्कार के लिए अतिरिक्त बजट मांगा। बेरोजगारों ने बैठक की। कोविड गाइडलाइन उल्लंघन का केस दर्ज उपेन यादव पर। जयपुर भास्कर न्यूज। असिस्टेंट ड्रग एनालिस्ट 13 साल बाद 11 पदों पर भर्ती। परीक्षा आवेदन शुल्क ₹5,000। रोज बढ़ रहा है कोरोना ग्राफ। चयन बोर्ड की 29 को दो भर्ती परीक्षा की तैयारियां। जयपुर भास्कर। शिक्षकों ने शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला के नाम सौंपा ज्ञापन। राजस्थान शिक्षक संघ सियाराम के पदाधिकारियों ने सौंपा मांग पत्र। सुजानगढ़ स्थानांतरण डीपीसी और भर्तियों को लेकर। 10वीं-12वीं बोर्ड का कोर्स 20 फरवरी तक होगा पूरा। मॉडल पेपर से होगी तैयारी। बीकानेर भास्कर न्यूज। 30 स्वर्ण पदकों का वितरण। संस्कृत विश्वविद्यालय का ऑनलाइन दीक्षांत समारोह आज। राजस्थान पत्रिका न्यूज जयपुर। नियुक्ति नहीं देने पर स्वास्थ्य निदेशक को पेश होने के आदेश। राजस्थान पत्रिका न्यूज जयपुर हाईकोर्ट। लैब टेक्नीशियन भर्ती मामला। नीट यूजी 2021 ऑनलाइन आवेदन से चूके विद्यार्थियों को एक और मौका। राजस्थान पत्रिका न्यूज कोटा। दी अच्छी शिक्षा प्राप्त करने की प्रेरणा। 53 छात्राओं को बांटी साइकिल। महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय। राजस्थान पत्रिका। विभिन्न मांगों को लेकर शिक्षक संघ ने मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। राजस्थान पत्रिका न्यूज जयपुर।